सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निवडियो। इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी की ओर से जितने भी अपडेट पेंडिंग देखने को मिल रहा था, सभी अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसों के लिए आज के डेट में स्टेबल अपडेट रोल आउट हुआ है और कौन कौन से डिवाइसों में अपकमिंग अपडेट देखने को मिलने वाला है। जल्द ही मैं सभी डिवाइसों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि स्टेबल वर्जन का अपडेट कौन कौन से डिवाइसों के लिए आज के डेट में रोल आउट हुआ है। सबसे पहला जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन में देखने को मिल रहा है। रियलमी की ओर से इस डिवाइस में रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 का ईयरली एक्सचेंज का अपडेट बहुत ही लेट रोल आउट हुआ था, लेकिन ईयरली एक्सचेंज के बाद तुरंत ही अपडेट 0 का ऑफिशियली वर्जन का अपडेट रियलमी की ओर से डायरेक्ट रोल आउट कर दिया गया है इस डिवाइस में। तो रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन के डिवाइस आपके पास है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गुड न्यूज है। आप जाकर अपने डिवाइस में डायरेक्ट ही अपडेट 0.2 का स्टेबल वर्जन ऑफिशियली अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए इस अपडेट के डाउनलोड साइज का, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 993 MB का इसका डाउनलोड साइज देखने को मिल रहा है और जिन डिवाइस में ईयरली एक्सेस का अपडेट देखने को ना मिला होगा उनके डिवाइस में 5 GB का अपडेट रोल आउट हुआ है। तो आप जाके इस अपडेट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद बात की जाए अगला स्टेबल अपडेट के बारे में जो कि देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे यदि आपके पास रियलमी GT Note 2 की डिवाइस है तो इसमें आपको यह अपडेट 0.4 का स्टेबल अपडेट का वर्जन रोल आउट कर दिया गया है इस मंथ में और इसका डाउनलोड साइज देख रहे होंगे 675 MB का इसका डाउनलोड साइज देखने को मिल रहा है, जिसमें रियलमी की ओर से बहुत ज़्यादा बग इशू को फिक्स किया गया है। इससे पहले इसमें जो ईयरली एक्सेस का अपडेट देखने को मिला था और बीटा अपडेट देखने को मिला था यह अपडेट 0.3 का, उसमें बहुत ज़्यादा बग इशू देखने को मिल रहा था, उसी को इसमें रियलमी की ओर से 100% फिक्स किया गया है। तो इस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस में क्या क्या फिक्स किया गया आप यहां पे देख रहे होंगे। अब आप इस डिवाइस में यानी आपके डिवाइस में जितने भी रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 के ईयरली एक्सेस बीटा अपडेट में फ्यूचर मिले थे उनमें जो बग इशू देखने को मिल रहा था उसको इसमें 100% ऑप्टिमाइज किया गया है और सिस्टम को स्टेबल किया गया और परफॉर्मेंस को भी इसमें आपको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। तो यानी ये अपडेट आपके डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके डिवाइस में इसका डाउनलोड साइज कितने MB का देखने को मिला था। इसके बाद अगला जो डिवाइस को अपडेट देखने को मिल रहा है, यदि आपके पास रियलमी एक्शन मैक्स 5G की डिवाइस है तो इसमें भी आपको रियलमी की ओर से यह अपडेट 0.12 का ऑफिशियली वर्जन का अपडेट इस मंथ में रोल आउट कर दिया गया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे UI वर्जन की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे RMX आपको 3031 का मॉडल नंबर देखने को मिलता है और यह अपडेट 12 का न्यू UI वर्जन देखने को मिलता है और यह आपको ऑफिशियली अपडेट यानी स्टेबल अपडेट देखने को मिलता है रियलमी UI 4.0 और एंड्रॉइड 13 का रियलमी की ओर से। इसके बाद बात की जाए यदि आपके पास रियलमी 9 प्रो प्लस 5G की डिवाइस है तो इसमें रियलमी की ओर से एक न्यू स्टेबल अपडेट का वर्जन आज के डेट में रोल आउट कर दिया गया है सभी यूजर के लिए। आप जाके इस अपडेट को कर सकते हैं और जितने भी आपके डिवाइस में 5G नेटवर्क से रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा था 100% इसमें फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद बात की जाए अपकमिंग अपडेट के बारे में कौन कौन से डिवाइसों को स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा जल्द ही, तो मैं आपको बता दूँ जनवरी मंथ में बहुत सारे डिवाइसों को बीटा अपडेट ईयरली एक्सेस का अपडेट देखने को मिला था, लेकिन उन डिवाइसों में से इस मंथ में कई डिवाइसों के लिए स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला था, जैसे कि रियलमी GT मास्टर एडिशन, रियलमी 9 4G, रियलमी यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी नंबर सीरीज था और रियलमी 9 स्पीड एडिशन। तीन सब डिवाइसों के लिए मैं बता दूँ कि इस वीक के अंदर जो अगला वीक आ रहा है उसमें आपको 100% अपडेट देखने को मिल जाएगा या इस वीक के अंदर ही आपको संडे या मंडे तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इन डिवाइसों के लिए कोई भी आपको वेट नहीं कर पड़ेगा। अब बात की जाए रियलमी वाई 4.0 के ईयरली एक्सेस का अपडेट कौन कौन से डिवाइसों के लिए इस मंथ में देखने को मिलेगा, तो यदि आपके पास रियलमी 8i, रियलमी नार्जो 50 और रियलमी C25 की डिवाइस है तो इसमें आपको 100% रियलमी वाई 4.0 और एंड्रॉइड 13 का ईयरली एक्सेस का अपडेट अगले मंथ के फर्स्ट वीक से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वही वीडियो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।